हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। काफी टाइम के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है। किसी का कमेंट था कि जो लेटेस्ट PYQs है वो डिस्कस कर दो, तो काफी टाइम के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। Feb 2022 चैनल बनाए को 2 साल हो गए। काफी टाइम चेंज हो गया, काफी कुछ हो गया है इस टाइम में। बट अब ये जो लास्ट 2-3 एग्जाम्स हुए हैं उनका मैं अपलोड कर देता हूँ आपको, जो Feb 2022, फिर September 2022 एंड June 2023। अभी तो एक एग्जाम आने ही वाला है। तो क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड, आर्ट बी में आया ये क्लासिकल मैकेनिक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशन एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी मोशन पोटेंशियल वी ऑफ एक्स गिवन एज दिस ए मोड ऑफ एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो इफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन टोटल एनर्जी ई देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम ट्रिक से कर रहे हो तो इसको पूरा सोल्व कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन मैंने इसका ट्रिक वीडियो बना रखा है कैसे इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट डूइंग मच कैलकुलेशन। द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन एनर्जी एस 1/n - 1/2। अब यहाँ पे ये एन क्या है, व्हाट इज दिस एन, दिस एन इज आवर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन सम कांस्टेंट एक्स रेज टू द पावर एन इन वन डायमेंशन। तो ये जो एन है ये इस क्वेश्चन के लिए कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। तो यहां आपने ये 1 - 1/2, सो योर डिपेंडेंस कम्स आउट टू बी अल्फा पावर 1/2। तो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन तो आ गया टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी ऑन एनर्जी, बट इसे आप कर सकते हो एक्सटेंड। वो पूछ लगा कि आपका जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो यहां तक तो वो क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है, इजी। काइनेटिक इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी आपके हाथ में स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है ये ए मोड ऑफ एक्स। एम्पलीट्यूड मतलब अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसमें ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम एक्स की जो वैल्यू है उसके लिए आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, तभी तो पार्टिकल वापस आता है। तो अगर मैं एट एक्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एम पी से, एम्पलीट्यूड पे अगर है तो आपकी वेलोसिटी उस टाइम जीरो हो जाएगी। तो आपकी एनर्जी कैसे डिपेंड करेगी इस केस में, ए इनटू ये मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब एनर्जी की और एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी कैसी है, वन पावर की। अब वो पूछ रहा है टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करेगा, किस पे, एम्पलीट्यूड पे। तो टाइम पीरियड एनर्जी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, हाफ पावर पे। एनर्जी एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड कर रही है, वन पावर पे, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है वन पावर पे, और ये है 1/2। एनर्जी की जगह मैंने एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी लिख दी, और ये आ गया आपका टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी ऑन एम्पलीट्यूड। तो वो पूछ लेगा तो इसमें 1/2 टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी आ रही है एम्पलीट्यूड पे। जरूरी है हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा सेम हो, अगर यहाँ पे कुछ 1/3 आ रहा होता, इधर कुछ पावर अलग होती, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाता। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं कर दूं यहां ये मोड हटा के, अगर इस क्वेश्चन को मैं एक्स पावर 6 कर दूं तो यहां क्या हो जाएगा, 1/6 - 1/2। तो 1/6 - 1/2 कितना हो जाएगा, 6 - 2/6, -2/6 इज -1/3। तो ये डिपेंडेंसी आ रही है आपकी -1/3, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, एक्स पावर 6 हो जाएगा एम्पलीट्यूड पे, यहाँ पे भी एक्स पावर 6 हो जाएगा। तो एनर्जी कैसे डिपेंड करे, एम्पलीट्यूड की पावर 6 पे। तो आपकी यहाँ क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड की पावर 6 इंटू ये कितना पावर है, -1/3। तो आपका एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड कैसे डिपेंड कर रहा है, -2 पावर पे। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसका वेरिएशन आ सकता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरी तरफ से। So this is your second question. A particle thrown with velocity v from Earth's surface attains a maximum height h if v is the escape velocity, half of escape velocity. देखो question carefully नहीं पढ़ा तो आपने ये miss कर जाओगे half.
half of the escape velocity r denotes the radius of the arc, then ratio of this h by r. तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाना है, बिकॉज़ देयर इज नो कंजर्वेटिव, बिकॉज़ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो क्या होता है, फ्रिक्शन या ड्रैग, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाती है उस प्रोसेस में. बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं देर का, सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स और ये वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब दिया हुआ है. तो अर्थ सरफेस, यहां बनाते हैं डायग्राम को. अर्थ सरफेस से कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया तुमने, कितना हाइट पे, एच हाइट पे, इस पॉइंट पे जाके वो नीचे वापस आ रही है, तो तुम्हें क्या करना है, बेसिक काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू गेन इन बाय पोटेंशियल एनर्जी. देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसको इनिशियल, इसको फाइनल लेके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो. मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता होगा क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, दो बॉडीज के बीच में जहां पे आपकी एक बॉडी कितनी है, अर्थ है, दूसरा बॉडी कोई भी हो सकता है मास एम का जो अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो होता है माइनस जी एम एम बाय आर. Where this r is radius from center of earth. Radius नहीं बोलेंगे, उसको distance बोलेंगे. Distance from center of earth. आपकी center of earth से कितना distance है उस point का. ठीक है? अपना initial point पे total energy, final point पे total energy लगा दो. तो kinetic energy initial plus potential energy initial will be equal to kinetic energy final plus potential energy final. Kinetic energy initial कितनी है? देखो v velocity से tank है, तो half m v square. ये कितनी होती है, माइनस अर्थ की सरफेस पे जब है तो डिस्टेंस कितना है आर, माइनस जी एम एम बाय आर. आर कौन सा, रेडियस ऑफ अर्थ वाला, रेडियस ऑफ अर्थ वाला. काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो जाएगी, तभी तो वेलोसिटी जीरो जा रही है, तभी तो बॉडी वापस नीचे आ रही है. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी गेन थी वो पोटेंशियल एनर्जी में, यहां पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो जाएगा. सिंपल है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई. इस पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस, ये हटाना पड़ेगा मुझे यहां से, क्या होगा, जी एम एम, डिस्टेंस कितना है टोटल, आर प्लस एच. बस अब यहां पे मुझे वेलोसिटी रखनी है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, टू जी एम बाय आर. इजिली निकाल सकते हो इसको कि 2gm by r कैसे होगी, वही जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा. तो वहां से हम तुम एस्केप वेलोसिटी इजिली निकाल सकते हो. तो ये कितना आ गया, हाफ m v square. v square is this 1 by 4 2gm by r minus gmm by r divided by minus gmm r plus h. तो तुम बस इसको इजीली सॉल्व कर लो. तो ये कितना आ गया, कुछ मर रहा है क्या, हाँ ये 2 से 2 मर रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ बच रहा है आपका 4r. gmm 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 सब में से gmm मार दो, 1 by 4r minus 1 by r is equal to minus 1 by r plus h. तो बस आपको h by r का रेशियो तो फाइंड आउट करना था. 4r LCM ले लो, 1 माइनस 4 माइनस 1 बाय आर प्लस एच कितना आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 4r, माइनस से माइनस मर गया, 4r कितना आ गया, 3r प्लस 3h. तो ये कितना आ गया, r 3h. आपको क्या रेशियो निकालना है, h बाय r बाय नहीं h बाय r. तो h बाय r कितना हो जाएगा, h बाय r 1 बाय 3. तो नॉर्मल आपका ये क्वेश्चन था, 1/3 इसका आंसर है. एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था और ये क्वेश्चन आपका हो गया. एक से दो मिनट का क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से अगर ये कंसेप्ट आ रहा है आपको. तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास दिस एंड इट्स एंटी पार्टिकल. पार्टिकल यही है, एंटी पार्टिकल भी यही है, मास सेम है इसका. बोथ मूविंग विद स्पीड v प्रोड्यूस अ न्यू पार्टिकल दिस. मिनिमम वैल्यू ऑफ v रिक्वायर्ड इज क्लोजेस्ट टू इन टर्म्स ऑफ c.
तो देखो कैसा क्वेश्चन लग रहा है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन लग रहा है। कुछ नहीं है, दो पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन कर रहे होंगे। देखो कुछ भी एंगल नहीं दिया कि किस एंगल पे कोलाइड कर रहे हैं, इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं कि इन इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं। तो क्या समझोगे, इजिएस्ट केस लोगे कि दोनों ऐसे कोलाइड कर रहे हैं और हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं और इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, इसका एनर्जी भी कंजर्व है, मोमेंटम भी कंजर्व है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये भी लगभग मैं बोलता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन दिया उन्होंने। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है बट कंसेप्ट क्या लग रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब आपकी एनर्जी क्या होती है, एमसी स्क्वायर। अगर मैं एमसी स्क्वायर लगवा देता हूँ तो हाँ हो जाएगा। देखो पार्टिकल एंटी पार्टिकल इनिशियल एनर्जी इज बिफोर कोलिजन कितना होगा, एमसी स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पार्टिकल की, यानी कि ये पार्टिकल हो गया आपका, एंटी पार्टिकल हो गया, दोनों हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं, तो एम ये इसकी भी एनर्जी यही है। फाइनल क्या कर रहे हैं, एक न्यू पार्टिकल बना रहे हैं जिसका मास दिया हुआ है। ठीक है, इसका मास चेंज हो गया है, मास मैंने कैपिटल एम ले लिया है, सी स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है, वी। अच्छा ठीक है, इजी है, एम सी स्क्वायर। देखो अब आपका एम क्या होता है, चेंज होगा विद स्पीड, क्योंकि आपका पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी विच इज क्लोज टू सी। तो एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रूट, यही होता है हमारा मास का चेंज विद वेलोसिटी वी। सेम ये होगा, एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रूट। और यहां क्या होगा, अ न्यू पार्टिकल, और न्यू पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, देख रहे हो, प्रोड्यूस अ न्यू पार्टिकल 10 गीगावाट इलेक्ट्रॉन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। इसका कोई वेलोसिटी नहीं दिया, इसका मतलब ये जो मास है ये अपना इसका रेस्ट मास ही दिया हुआ है। बाकी मैं क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि ये इसका कंफर्म मास दे रखा है, हाँ इसका यही मास दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है इसका मतलब इसका मास चेंज नहीं होगा। तो 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। तो भाई अब कुछ नहीं करना है तुमको, 2 एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट कितना, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी स्क्वायर मैंने काट दिया। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रूट। अरे अभी तो मैंने इसको पानी पिलाया था, इसका एनर्जी ड्रिंक क्या हुआ इसको, फिर ये 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स कैंसिल हो गई, 2 से ये 10 मर गया 5, तो कितना आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट इधर ले जाता हूँ तो ये 1/5 हो जाएगा। बस मुझे लगता है क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्वायर कर दो 1/25, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कितना आ गया, 1 इधर ये आएगा, 1 माइनस 1/25 इज 24/25, तो आपका वेलोसिटी कितना आ गया, रूट ऑफ 25 रूट ऑफ दिस इनटू सी। 25 का रूट तो आपको पता ही है कितना होता है 5, 24 का रूट अप्रोक्सीमेटली क्लोज होगा 5 के, तो लगभग 5/5 1 के अप्रोक्स आना चाहिए। तो अब कैलकुलेटर से इसको देखना पड़ेगा, जो भी है तुम देख लेना इसका आंसर आएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि 1 के क्लोज आएगा ना लगभग रूट 24 है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है। फोर्थ क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं क्या है आपका, पार्ट बी के 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक। अच्छा फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही है ये भी, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स एमिटिंग रेडिएशन विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखा हुआ है जो कि किसी फ्रीक्वेंसी के साथ रेडिएशन एमिट कर रहा है, इट मूव्स विद वेलोसिटी वी अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर रखा हुआ है ए, उससे तो ये अवे जा रहा है। अच्छा इससे अवे जा रहा है तो मैं दूर बना देता हूं, ये
हमारा जो सोर्स है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको कुछ फ्रीक्वेंसी क्या दिखेगी, कम। भाई सिंपल सा डॉपलर इफेक्ट है, अगर ये सोर्स इसके पास आ रहा होता तो ये जो वेलोसिटी है आपकी, नहीं वेलोसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बड़ी हुई सुनाई देती है। जैसे डॉपलर इफेक्ट इन साउंड है वैसे ही डॉपलर इफेक्ट इन लाइट है, ये लाइट की बात कर रहा है, रेडिएशन एमिट हो रहा है, लाइट की स्पीड से मूव करेगा, लेकिन ये जो सोर्स है वो आपका मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो इसको कैसे दिखेगी फ्रीक्वेंसी, कम दिखेगी। इट इज मूविंग टुवर्ड्स अनदर ऑब्जर्वर विच इज एट रेस्ट अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द टू, अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग द टू। तो यहां एक कोई बी है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है स्टेशनरी, और देखो ये इसके पास जा रहा है, पास जा रहा है, तो मतलब नॉर्मल सी बात है ये जो फ्रीक्वेंसी बी की होगी वो डेफिनेटली ऐसे बड़ी होगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ये है। अगर रेस्ट पे होता तो इनको भी एफ सुनता, इसको भी एफ सुनता, लेकिन ये मूव कर रहा है, बोल रहा है एफ बी बाई एफ ए का रेशियो है 7:1। देखो सिंपल सी बात है, बड़ी होगी तो रेशियो भी इसी के अकॉर्डिंग है। वैल्यू ऑफ वी बाई सी, वी बाई सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो डॉपलर इफेक्ट का नॉर्मल सा फॉर्मूला है, अगर वो तुम्हें आता है, जैसे साउंड का डॉपलर इफेक्ट का एक फॉर्मूला होता है, साउंड के इफेक्ट में क्या होता है, सोर्स भी मूव करता है, ऑब्जर्वर भी मूव करता है, और जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो होती है लाइक 343 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ होता है। बट यहां आपका क्या हो रहा है, दोनों रेस्ट पे हैं, तो एक क्वांटिटी आपकी कम हो गई, इनकी वेलोसिटी नहीं है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी भी, और जो आपकी लाइट की स्पीड होती है वो सी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, सी होती है। तो इसका डायरेक्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो, ये है फ्रीक्वेंसी जो चेंज हुई है एफ डैश, जो हमें सुनाई देगी, सुनाई नहीं देगी, इस केस में रिसीव होगी, दिखाई देगी, वो होता है जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है, यहां आपका लगता है ये वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय दिस प्लस माइनस वी। अब ये प्लस माइनस क्यों है, अगर ये इसके पास जा रहे हैं, अगर ये इसके पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो यहां क्या होगा, माइनस साइन आएगा, ये इससे दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो यहां प्लस साइन आएगा, तो ये प्लस माइनस इसके लिए है, तो ये तुम्हें जज करना पड़ेगा। बी के लिए पास जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये क्या है, वेलोसिटी किसकी, आपके सोर्स, ये स्पीड लाइट, सिंपल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना होगा एफ, ये सी प्लस वी, क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी तो ये क्वांटिटी आपकी छोटी हो जाएगी, एफ बाय बी, एफ बाय बी दोनों को डिवाइड कर दो, कितना दिया हुआ है 7:1, दोनों को डिवाइड करा, एफ से एफ गया, वी से वी गया, आपका c प्लस वी डिवाइडेड बाई सी माइनस वी, सही कर रहा हूँ, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, बस कितना आ रहा है 7c - 7v = c + v, इधर आएगा 6c = 8v, तो आपको क्या हुआ v बाई सी, अच्छा v बाय सी 6/8 3/4, तो 3/4 इज योर आंसर इन दिस केस। कितना इजी था, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आपका आंसर आ रहा है 3/4 विच इज सी ऑप्शन। तो आपका इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या होती है, यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा टू माइनस जो कि कॉन्स्टेंट होता है सेंट्रल ऑर्बिट में, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, सेंट्रल ऑर्बिट कैसे काम करता है, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, डिफरेंशियल फॉर्म, ये वाली सब करवा रखा है उसके अंदर। तो बस आपको क्या करना है, आर आपको दिया हुआ है, आर से आपको यू में इक्वेशन बनानी है, यू से आपको उसको डेरिवेटिव करना है, दो बार एफ आ जाएगा, एफ को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको
वेलोसिटी का पोटेंशियल मिल जाएगा, फिर आर की डिपेंडेंसी मिल जाएंगी, ये वी की वैल्यूज मिल जाएंगी। करना क्या, देखो यू कितना आएगा, 1/r, 1/r मीन्स 1/r0 थीटा स्क्वायर, यानी कि 1/r0 थीटा माइनस टू बस। तो ये आपका u, u तो पड़े रहने दो ऐसे ही, d2u/dt2, एक बार डेरिवेटिव करो कितना आएगा, 1/r0 ये थीटा पावर माइनस थ्री हो जाएगा, एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो माइनस थ्री आगे आएगा 6r0 थीटा की पावर माइनस फोर बस। रख दो u कितना है, 1/r0 थीटा माइनस टू, ये कितना है 6/r0 थीटा माइनस फोर माइनस m l स्क्वायर u स्क्वायर f, f कितना आ गया, f प्रोपोर्शनल आ गया, u स्क्वायर को उधर भेज दो, u स्क्वायर में कितना है थीटा माइनस टू, थीटा माइनस मैं कर देता हूँ u स्क्वायर, ये थीटा माइनस टू और ये थीटा माइनस फोर, u2 के अंदर भेजूंगा तो कितना है थीटा माइनस टू, यू पे डिपेंडेंट है, u स्क्वायर क्या थीटा माइनस फोर, थीटा माइनस टू थीटा माइनस फोर, तो कितना आ गया थीटा माइनस सिक्स थीटा माइनस एट, ये आपकी डिपेंडेंसी आ गई f की। तो f r पे कैसे डिपेंड करेगा, थीटा माइनस सिक्स, यानी कि आपका r डिपेंड कर रहा है r जीरो थीटा स्क्वायर पे, थीटा माइनस सिक्स कितना हुआ r माइनस थ्री प्लस थीटा माइनस एट, थीटा की पावर अगर मैं यहां एट करूंगा तो यहां r पावर फोर, तो r माइनस फोर, ये मेरा है फोर्स, मुझे निकालना है पोटेंशियल, कैसे कर दूंगा, ये क्या होता है f क्या होता है माइनस डीवी बाई डी आर, तो मुझे ये निकालना है v, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा मैं, r माइनस थ्री है, पावर एक इंक्रीज हो जाती है इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगी माइनस टू, यहां पावर इंक्रीज हो जाती है, ये कितना होगा माइनस थ्री, तो माइनस टू माइनस थ्री, यानी कि आपकी जो ए की वैल्यूज है वो कितनी है टू और थ्री, देख लो भाई टू थ्री वाला ऑप्शन कौन सा है, ये रहा बी ऑप्शन। अब देखो इतने इजी इजी क्वेश्चन पार्ट सी में आ रखे हैं, देखो ये वो वाला एग्जाम है जो मैंने दिया था, मैंने अटेम्प्ट किया था, क्लियर हो गया था मेरा, क्लियर हो गया ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे पार्ट सी के अंदर, पेपर बहुत टफ आया था इस बार, ये जो फैब 2022 में 2 साल बाद पेपर हुआ था, पार्ट सी सबसे टफ आया था, सबसे टफ, किसी से अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, बट जो शुरू से लेके एंड तक पेपर के पहुंच गया था, यानी कि जिसने पूरा पेपर देखा था, पार्ट ए देखा, पार्ट बी पूरा देखा, पार्ट सी पूरा देखा अगर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पड़े थे वहां पे, और पार्ट सी में मैं 10 क्वेश्चन करके आया था, और 10 के 10 ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन पार्ट सी में क्वेश्चन कितने आते हैं, उसमें से करने कितने होते हैं, और तब तक तुम सारे देख पाओ, वहां तक पहुंच पाओ, बड़ी बात है। पार्ट ए में मान लो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, पार्ट बी में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, तुम एक क्वेश्चन कोई लेके बैठे हो, पार्ट सी तक आप पहुंच ही नहीं पाए, आपने पार्ट सी पूरा देखा ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे आपके। तो स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं कैसे पेपर सोल्व करना है, दिसंबर में आपका एग्जाम जो है मैं उसमें बताऊंगा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पड़े थे उसमें 7-8 और मैंने अटेम्प्ट किए थे सारे के सारे, क्योंकि मैंने पेपर से पूरा गो थ्रू हुआ था, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पार्ट सी में, 10 के 10 ठीक, क्योंकि मैं करके गया था जो मेरे शॉर्ट शॉर्ट थे, अगर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो समझ ही नहीं आ रहे थे, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पड़े थे उसके बीच में जो बहुत इजी इजी थे। सेकंड क्वेश्चन मैं तुम्हें इसका दिखाता हूँ, तुम कहोगे इतना इजी क्वेश्चन आया था पेपर में, इतना इजी क्वेश्चन आया था पेपर में, देखो और वो मैं करके आया था, कुछ क्वेश्चन टफ भी आए थे वो मैंने छोड़ दिए थे, तुम्हें देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन टफ है और वो हमें छोड़ने हैं, तुम्हें जल्दी से डिसीजन लेना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किस चीज की, टॉपिक्स की, कि ये मेरा इजी टॉपिक है ये मेरा डिफिकल्ट टॉपिक है, इजी क्वेश्चन से कोई इजी टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन मेरा है मैं उसे कर दूंगा, फोड़ दूंगा, उस पर अटैक करूंगा, डिफिकल्ट है जो मेरे लिए टॉपिक उसका मैं बाद में देखूंगा सेकंड अटेम्प्ट सेकंड राउंड में, कि मेरे से वो क्वेश्चन क्या पता हो जाए, इतना डिफिकल्ट टॉपिक मेरे लिए हो लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन तो ईजी हो, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बता रहा है एक सैटेलाइट है जिसका मास एम है, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थ है ये आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये आपका एक सैटेलाइट है जिसका मास एम है वो ऑर्बिट कर रहा है, सेमी मेजर एक्सिस आपको दे रखा है ए, ये अगला क्वेश्चन है पार्ट सी का जो मैं करके आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2-2 3-3 मिनट वाले क्वेश्चन थे ये,
एट अ रेडियल डिस्टेंस आर इक्वल टू आर नॉट, एट अ रेडियल डिस्टेंस आर इक्वल टू आर नॉट मीजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मीजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ से मीजर कर रहे हैं आप तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, शायद बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या दी हुई है उसने, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि एम कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड टोटल एनर्जी गिवन टू यू इज माइनस जी एम एम बाई टू ए। अगर ये ना भी गिवन होती तो भी तुम्हें याद रखना है, क्योंकि किसी भी अर्थ जो आपके सैटेलाइट का सिस्टम होता है उसकी टोटल एनर्जी यही होती है। याद ये मैंने करवाया भी है ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जब वो सीरीज करवाई थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाई टू ए, उसका हाफ आर नॉट बाई ए का आपसे रेशियो पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, टोटल एनर्जी दिख रही है, तो कहीं पे ये यूज हो रहा होगा, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन इतना इजी था, 2 से 3 मिनट में कोई भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचे तो सही, अगर उसने यहां तक पहुंचा ही नहीं, ये क्वेश्चन उसने रीड ही नहीं किया तो ये पक्का उसका स्किप होगा। तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये 5 मार्क्स का पार्ट सी में आया है। टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है, माइनस जी एम एम बाई टू ए। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ दिस यानी कि माइनस जी एम एम बाई फोर ए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाई आर एट अ डिस्टेंस आर इक्वल टू आर नॉट, यानी कि माइनस जी एम एम बाई आर नॉट, माइनस जी एम एम बाई आर नॉट। बस अभी से सॉल्व कर दो, जी एम एम सारे मर जाएंगे, माइनस मर जाएगा 1/2a, माइनस 1/4a, माइनस 1/r नॉट, सारे माइनस मार दो, इधर आएगा 1/2a, माइनस 1/4a, एलसीएम आया 4a, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/r नॉट, 1/4a, तो r नॉट बाई कितना आ गया, 4 तो आंसर में ही नहीं है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। कहाँ गड़बड़ हो गया, जिसने पकड़ लिया कि कहाँ गड़बड़ हो गया, मेरे से गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को ईजी ले लिया। जैसे क्वेश्चन को मैंने इजी लिया, मैंने थोड़ा अपना कंसंट्रेशन लूज किया और मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना है। ये इस क्वेश्चन में मेरे +5 आ रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, -6.25 हो गए, यानी कि जो 5 था वो तो गया ही गया, -1.25 और हो गया, क्योंकि ये पार्ट सी है, यानी कि मेरे को घाटा हो गया 11.25 का, इतना पीछे हो गया मैं। मेरी गलती कहाँ है, सिंपल सी गलती है, काइनेटिक एनर्जी को मैंने नेगेटिव ले लिया। जिसने ये गलती पकड़ ली थी वो पेपर में गलतियाँ कम करेगा, जिसने गलती करी है मेरे साथ कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे जब गलतियां करेगा तो एग्जाम में उसे गलतियां नहीं होंगी। मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, क्वेश्चन एग्जाम में मैं ठीक करके आया, लेकिन मैंने बोर्ड पे तुम्हारे सामने गलत कर दिया। काइनेटिक एनर्जी को मैंने नेगेटिव ले लिया, कभी ये पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड था वो हाफ ऑफ टोटल एनर्जी था, मैंने नेगेटिव रख दी टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी तो नेगेटिव ही होती है, क्योंकि सन ये जो अर्थ और ऑर्बिट का सिस्टम है बाउंडेड, बाउंडेड सिस्टम की टोटल एनर्जी तो नेगेटिव ही होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होती है, बस यहाँ मेरी गलती हुई, मैंने काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव ले लिया। काइनेटिक एनर्जी आनी थी पॉजिटिव, पॉजिटिव आता तो -1/2a, 1/4a, -1/r0, 1/r0 को मैं इधर ले आया, 1/4a, ये 2a इधर चला गया, 1/2a, तो ये प्लस हो गया, बस मैंने यहाँ नेगेटिव कर दिया था इसलिए मेरा आंसर आया गलत, 4a एलसीएम, 1+2, 3/4a, तो r0 बाई कितना आ गया, r0 इधर गया 4/3, 4/3 इज 1.33। गलती मुझे पता लगी क्योंकि आंसर आया मेरा 4, चार ऑप्शन में ही नहीं था, अगर चार ऑप्शन में होता है वो टिक करके आता, मेरा नेगेटिव हो जाता, मैं रैंक बहुत गिर जाता। इजी क्वेश्चन में भी मैं गलती कराया, डिफिकल्टी की तो बात ही छोड़ दो। अब आंसर आ रहा है 1.33, यानी कि आपका ये आंसर ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ये समझ के थोड़ा अपना कंसंट्रेशन लूज मत कर देना कि इजी क्वेश्चन है, अब तो हो ही जाएगा, हो ही जाता है, फिर गलत सही नहीं होता है, वो गलत हो जाता है। इजी है तो उसको केयर के साथ करो, कोई गलती ना हो, और अगर टाइम बच जाए लास्ट में जो बचता नहीं है तो चेक भी कर लो, क्योंकि टाइम बचेगा नहीं चेक करने का। तो पार्ट सी के जितने मुझसे क्वेश्चन हुए थे एग्जाम में वो मैंने करवा दिए, और मैंने फिर से जब पेपर ट्राई किया आज तो मुझसे और कोई नए क्वेश्चन नहीं हुए। कोई बात नहीं, अपने को सारा पेपर थोड़ी अटेम्प्ट करना है, 200 नंबर का पेपर है, 85-90 इतना कट हो जाता है, 50% से भी कम है, तो सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, छोड़ना भी है, और ऐसे इजी क्वेश्चन करने हैं। तो ये 2 वीडियोज अभी और बनेंगे, September 2022, June 2023, और कुछ स्ट्रेटजी वीडियो दिसंबर के एग्जाम के लिए तुम्हारे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो।